Okay, let's start. What is urbanization? Urbanization is a process of population concentration. It's caused by all those factors which change the distribution of the population by the size of the locality. इसको आप सिंपल अल्फाज में ये समझ सकते हैं कि अर्बनाइजेशन से कहा जाता है कि वो पॉपुलेशन जो रूरल से शिफ्ट कर जाती है सिटीज़ की तरफ, दैट विल बी कॉल्ड अर्बन पॉपुलेशन, और ये प्रोसेस कहलाता है आपका अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को मुख्तलिफ डेफिनेशंस में, मुख्तलिफ टर्म्स में मुख्तलिफ कहा जाता है कि ये एक इंडेक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब है कि आप इसे रूरल इकॉनमीज जो कि शिफ्ट हो रही है मॉडर्न इकॉनमी की तरफ, या रूरल इकॉनमी का इंडस्ट्रियल इकॉनमी की तरफ शिफ्ट कर जाने को जिस पैरामीटर से आप मेजर करते हैं वो आप अर्बनाइजेशन पैरामीटर से आप इसको मेजर करते हैं। किंग्सले डेविस कहते हैं कि जी आपकी ह्यूमन सेटलमेंट्स जब एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाती है ये प्रोसेस कहलाता है अर्बनाइजेशन। और इसको ये भी कहा जाता है कि वो आपकी पॉपुलेशन जो कि एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है वो मूव कर जाए इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ, तो ये भी आपका प्रोसेस अर्बनाइजेशन कहलाता है। अर्बन ग्रोथ इज लिंक टू द डेवलपमेंट, और इसमें वही है डेवलपमेंट को ज़्यादातर लिंक किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के साथ। मोर पीपल वर्क इन द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस, मैनुफैक्चरिंग को सेकेंडरी के साथ लिंक किया जाता है, जब जो कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसको टर्शरी के साथ लिंक किया जाता है। द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से मुराद ये है कि आपकी इंडस्ट्री का ग्रोथ करना, जब आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो वो एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी। पुश एंड पुल फैक्टर्स, पुश के मुराद ये कि आप किन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होके जाते हैं, और आप फॉर एग्जांपल अगर आप रूरल से, आपको क्या चीज़ ऐसी चीज़ फोर्स कर रही है कि आप पुश होंगे, और पुल से मुराद ये कि कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है। सिटीज एक्सपीरियंस हाई रेट्स ऑफ द नेचुरल रेट्स ऑफ द इंक्रीज, जब पॉपुलेशन सिटीज़ में ज़्यादा होगी तो नेचुरल रेट्स ऑफ इंक्रीज भी ज़्यादा होंगे। थ्री स्टेजेस में हम इसको देखते हैं, पॉपुलेशन को हमने क्लासीफाई किया हुआ है। इसके अंदर इनिशियल स्टेज अगर लेस देन 36% हो तो वो हम कहते हैं उसको रूरल पॉपुलेशन में है। अर्बन पॉपुलेशन में एक्सलोरेट हो रही है, 60-70% इंक्रीज़ हो रही है, और जब ये ग्रेटर देन 70% हो जाती है रूरल पॉपुलेशन में इंक्रीज़ कर जाती है। रूरल ट्रेडिशनल सोसाइटी में आप देख सकते हैं कि वो पॉपुलेशन जो लेस देन 36 है उसकी बात हो रही है। एक्सलेशन सोसाइटी में जब आप उसको एक्सलोरेट कर रहे हैं, प्रोसेस को रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो अब ये किधर मूव कर रही है, फ्रॉम 25-70, और देन टर्मिनल स्टेज होती है जब आपके सारे के सारा लोग अर्बन में सेटल हो जाते हैं। यहाँ पे अर्बनाइजेशन के अंदर ये ज़्यादातर सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है। इस ग्राफ के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जी आप अगर इसको गौर से देखें तो इसके अंदर एक रूरल सोसाइटी के अंदर आप जो आ रही है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आ रही है, और टर्मिनल सोसाइटी जो अर्बन सोसाइटीज के अंदर आ रही है। अब होता है क्या कि रूरल से अर्बन के फेज में भी बीच में एक फेज़ है जिसको ट्रांजिशन फेज कहते हैं, जो कि आपके डेवलपिंग कंट्रीज होती है। पाकिस्तान क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, पाकिस्तान अभी भी इस फेज़ में है। पाकिस्तान अभी तक फुल तरीके से अर्बन फेज में शामिल नहीं हुआ। डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन से मुराद ये कि कितनी पॉपुलेशन अर्बन में रहती है, इसको मेजर करने को आप डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन कहते हैं। इसके लिए आपने एक पैरामीटर डिग्री को मेजर करने के लिए यू रखा हुआ है, और पी टोटल पॉपुलेशन जो रह जाती है वो उसको आपने शो किया हुआ है। जो वो पॉपुलेशन जो अर्बन सिटीज में नहीं रहती उसको आप आर से शो करें, और अर्बन टू रूरल रेशो को जब आप उनका आपस में रिलेशन फाइंड करते हैं दैट विल बी कॉल्ड अर्बन टू रूरल रेशो। डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन यू और पी से हम मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि होल पॉपुलेशन यहाँ पे पी अर्बन और यू एक इंडेक्स हमने बना लिया है। इस यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर यू वन के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि तमाम की तमाम पॉपुलेशन अर्बन की है, और अगर यू ज़ीरो हो जाए तो तमाम की तमाम पॉपुलेशन रूरल की है, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज़ भी है कि रूरल पॉपुलेशन आर इज इक्वल टू ज़ीरो से थ्योरेटिकल हो सकती है, बट ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन आप देख रहे हैं कि इंक्रीज कर रही है 39% to 48%, और अर्बनाइजेशन लेवल हैज़ ऑलमोस्ट स्टेबलाइज इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज से मुराद यहाँ पर है कि अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज आर प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन में, एक अभी तक हम उस फेज में रहे। अगर डेवलप कंट्रीज में पॉपुलेशन 70-80% में जाकर स्टेगनेट हो जाती है, वो फिर उससे ज़्यादा एक्सीज नहीं कर रही। यहाँ पे आप इस ग्राफ में देखें तो आपको ये पता चलता है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, ईयर्स गुजर रहे हैं,
प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, जबकि ये अगर आप इस कर्व लाइन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रूरल की कर्व लाइन डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहे हैं आपकी रूरल पॉपुलेशन भी मूव कर रही है अर्बन सिटीज़ की तरफ। कॉजेस ऑफ अर्बनाइजेशन में एक नेचुरल इंक्रीज किस वजह से हो रही है, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो नेचुरल इंक्रीज वहीं सिटीज़ में ज़्यादा होंगी। रूरल अर्बन माइग्रेशन से मुराद ये कि पुश एंड पुल फैक्टर्स इसमें इंप्लीमेंट हो रहे हैं। रिक्लासिफिकेशन, जब पॉपुलेशन मूव कर जाएगी तो आपको रूरल टू अर्बन कैटेगरी को रिक्लासिफाई करना पड़ेगा। एरिया एनेक्शन, एनेक्सेशन से मुराद ये कि आपकी एक्सपेंशन ऑफ सिटी लिमिट्स किस तरीके से होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो रूरल सिटीज़ हैं वो भी आप एक्सपेंड कर देते हैं। अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। आपकी इनकम के चांस ज़्यादा होते हैं इंक्रीज होने के अर्बनाइजेशन सेंटर्स में। यहाँ पे गुर्बत कम होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, फैसिलिटी ज़्यादा होती हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स के हैं कि यहाँ पे स्लम्स, क्योंकि आसपास भी लोग आके फैसिलिटीज़ के लिए स्लम बनना, डेवलपमेंट स्टार्ट हो सकती है। ग्रोथ पैटर्न आपका कोई एक ऐसा नहीं कि जिसको आप कैलकुलेट कर सकें। पॉपुलेशन की वजह से कंजेशन ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी आप कमर्शियल प्लाजाज बना देते हैं और पॉपुलेशन क्या कर रही है, वो पोल्यूशन इंक्रीज़ कर रही है। लार्ज सिटीज एक्सपीरियंस हाई अर्बन ग्रोथ बिकॉज इट ऑफर्स अट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर। हर बंदा सिटीज़ की तरफ मूव कर रहा है, क्यों? एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। और नेचुरल इंक्रीज भी इस वजह से ज़्यादा आपका ये हो रहा है कि रूरल टू अर्बन मूव हो रहे हैं। इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड कॉजेज ऑफ द माइग्रेशन टर्म्स ऑफ पुश एंड पुल फैक्टर्स। पुश से मुराद क्या है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फोर्स कर रही हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, और पुल से क्या मुराद है, कौन सी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं कि आप सिटीज़ की तरफ आएं। पुश फैक्टर्स को आप देख लेते हैं, लेक ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं है, काम नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वहाँ पे, इनइक्वालिटी है, आपको राइट्स पूरे नहीं मिल रहे, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, और कुछ बाज़ दफ़ा आपको वहाँ के ट्रेडिशंस भी पसंद नहीं आती, जो कि पुल फैक्टर्स हैं कि आपको अच्छा काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट आपको मिल रही है, सैलरीज अच्छी हैं, सोशल इक्वलिटी है, बेटर एजुकेशन है, क्लोजनेस हो सकती है, सिटी लाइफ है, मॉडर्नाइजेशन है, बेटर कनेक्टिविटी है और बेटर लिविंग कंडीशन है। तो आप इस वजह से पुल अपनी सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं।